हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की एक और पोएम जिसका नाम है एनिमल्स, जिसे लिखा है वॉल्ट विटमैन ने, जिनका जन्म हुआ था 1819 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। ठीक है, अमेरिकन पोएट्री में इनका एक बड़ा फिगर रहा, महान लेखक रहे, कवि रहे, ऑथर रहे। और इन्होंने जो कविता लिखी आज एनिमल्स जो हम उनका पढ़ेंगे, इसमें उन्होंने बताया है अपनी फीलिंग्स को, बताया है कि किस तरह से उनको अच्छा लगता है जानवरों के साथ रहना और क्यों अच्छा लगता है, क्या डिफरेंस है एक एनिमल्स के बीच और ह्यूमंस के बीच। ठीक है, तो शुरू करते हैं पोएम एनिमल्स। चलिए देखते हैं पोएम। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। क्या कहते हैं यहाँ पे पोएट कि मैं सोचता हूँ क्या कि वापस कहाँ रहने के लिए जाना चाहता है वो, एनिमल्स के साथ। आई कुड टर्न, मैं शायद जा सकता और रह सकता किसके साथ, एनिमल्स के साथ। क्यों? क्योंकि बहुत क्या होते हैं, प्लेसिड होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं। प्लेसिड मतलब शांत, काम, और सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या होता है, स्वसंगत। ठीक है, तो बहुत शांत होते हैं और बहुत सेल्फ कंटेंट होते हैं, इसीलिए वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो जानवरों के साथ रहना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, वो खड़े रहते हैं और बहुत देर तक, किनको, बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक उस जानवर को देखते रहते हैं, एनिमल्स को देखते रहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं आगे, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, not one is dissatisfied, not one is dependent with the mania of owing things। क्या कहते हैं अब यहाँ पे पोएट कि जो जानवर होते हैं, क्या एनिमल्स क्या होते हैं, कभी भी क्या नहीं करते हैं, स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, अपने कंडीशन पे कभी भी वो क्या नहीं करते, क्राई नहीं करते हैं, वाइन चिल्लाते नहीं है कि मेरा कंडीशन क्या है। ह्यूमंस क्या करते हैं, हमेशा अपने कंडीशन को लेके क्या करते हैं, कंप्लेंस करते रहते हैं, कंप्लेन क्या करते हैं, अपने हमेशा दुख में रहते हैं ह्यूमंस के साथ। अगर आप बैठिएगा, फिर पोएट कहता है कि जब मैं ह्यूमंस के साथ रहता हूँ तो क्या करते हैं, वो अपने कंडीशन पे रोता है और अपने पाप के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा, वो जो कार्य करता है, एक्शन करता है, उसके कारण वो दुखी होता है और रोता है। ठीक है, और चिल्लाता है और क्या करता है, गॉड से हमेशा कंप्लेन करता है, अपने ड्यूटी को लेकर डिस्कस करता है किससे। लेकिन जब पोएट किसके साथ रहता है, एनिमल्स के साथ रहता है, तो उसको ये सब चीज को फेस नहीं करना पड़ता है। ना तो एनिमल्स इसको कभी कहता है कि हाँ उनके पास कितना ड्यूटी है, ना ही वो अपने कंडीशन पे रोता है, ना ही वो ऐसा कोई एक्शन करता है जिसके लिए उसको रोना पड़ता है, ना ही कोई पाप करता है। ठीक है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिपेंडेंट विद द मेकिंग ऑफ ओइंग थिंग्स। क्या कहते हैं कि वहां पे कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई क्या डिमेंटेड मतलब पागल। ठीक है, और ना ही कोई अपनी ओइंग थिंग्स को लेकर, होता है हम लोग जो वुमेन्स होते हैं कैसे होते हैं, अपनी अपनी चीजों के लिए पागल होता है, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है। लेकिन जानवरों में ये चीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, अभी भी उनके पास ये चीज नहीं है कि वो मेरी है या मेरा है, नहीं, इसके लिए लड़ाई नहीं होती है। लेकिन ह्यूमंस के साथ ऐसा होता है, वो अपनी ओइंग थिंग्स के लिए हमेशा उनके अंदर क्या दिखाया जाता है, डिमेंटेड पागल रहता है। ठीक है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नो नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। क्या कहते हैं कि कोई भी नील्स या नहीं झुकना उस दुनिया में, किस दुनिया में, एनिमल्स की दुनिया में, थाउजेंड ऑफ ईयर्स से वो लोग एक ही जैसा रहता है। कैसे रहते हैं, एक दूसरे के सामने ना तो झुकता है, ना ही किसी को झुकाना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि वो लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। कोई यहाँ पे अनहैप्पी नहीं है, क्योंकि सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, सभी एक समान है। ठीक है, जबकि वुमेन्स में क्या पाया जाता है, वुमेन्स के में नेचर होता है कि वो अपने सामने किसी को झुकाना चाहता है। ठीक है, लेकिन वहां कोई क्या होता है, किसी कारणवश झुक जाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो झुकाने की जरूरत है, ना ही झुकने की जरूरत है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, वो सेल्फ कंटेंट होते हैं, ब्लेसिड होते हैं, और क्या होते हैं, वो लोग रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टफुल, सभी लोग वहां पे क्या है, रेस्पेक्टेड होते हैं, किसी के साथ किसी का क्या है, किसी का अपमान नहीं करते। ठीक है, तो और आगे क्या देखते हैं, आगे क्या कहते हैं पोएम पोएट, शो दे सो देयर रिलेशन टू मी एंड I accept them. They bring me tokens of myself. They evince, they
प्लेनली टू देयर पोजिशंस. क्या कहते हैं अब यहाँ पे कि कवि कहता है, लेखक कहता है, पोएट कहता है कि वे लोग कौन जानवर अपना जो रिलेशन है मेरे साथ दिखाते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं भी इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ. ठीक है, और आगे क्या कहते हैं कि वे दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे मेरे पास लेके आता है. क्या टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे क्या टोकन्स ऑफ माई सेल्फ मतलब क्या, क्या लेके आता है, कौन सा साइंस लेके आता है, मतलब लव अफेक्शन है ना, गुड बिहेवियर, ब्रदरहुड, सब कुछ हमने खो दिया है वो चीज, वो सब कुछ आज भी रखा है. क्या दे एवेंस देम प्लेनली टू देयर पोजेशंस, क्या कहता है कि उन लोगों ने अभी तक संभाल कर रखा है अपने पास, क्या संभाल के रखा है, लव अफेक्शंस. ठीक है, एक दूसरे के साथ भाईचारा, सब कुछ संभाल के रखा है. लेकिन पोएट को एक बात और लगता है, क्या लगता है, आई वॉन्डर वेयर दे गॉट दोस टोकन्स, उसे आश्चर्य होता है, आई वॉन्डर कहाँ से वो लेके आते हैं टोकन्स, कहाँ से उनके पास आता है टोकन्स जानवर के पास. डिड आई पास दैट वे यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, तब वो कहता ओ शायद सदियों पहले, यूज टाइम पहले हमारे पास ये सारे टोकन्स थे, लेकिन क्या कर दिए हमने रास्ते में, रास्ते में मतलब कौन सा रास्ते में, ये जो है ना हम पीछे से आगे डेवलपमेंट की ओर, मॉडर्न हो गए ना हम लोग, तो जब हम डेवलप करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो हमने आगे आते हुए केयरलेसली उन सारे टोकन्स को रास्ते में गिरा दिया, मतलब अपने अंदर की क्वालिटीज को हम कम करते चले गए और डेवलप में आगे चलते. टेक्नोलॉजी तो हमने सीख ली, लेकिन हमने क्या खो दिया, अपने क्वालिटीज को, वो सारे क्वालिटीज कहाँ है आज भी, एनिमल्स के अंदर है. ठीक है, इसीलिए पोएट क्या चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है. सीधे सीधे शब्दों में लेखक ने नहीं कहा, लेकिन कहने का अर्थ है क्या इस पोएम में, कि लोगों को चाहे जितना भी आगे बढ़ना है बढ़े, लेकिन अपनी क्वालिटीज को नहीं भूलना चाहिए. ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो. ठीक, थैंक यू, और लाइक करो, शेयर करो, किसी भी तरह का कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो. थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.